नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि आप घर के थोड़े से सामान को यूज़ करके कैसे एक अच्छा सा लेप तैयार कर सकते हैं जो आपके फेस और आपके गर्दन को ग्लोइंग बना देगा, गर्दन पे जो कालापन है उसको दूर कर देगा और चेहरे पे जो झाइयाँ हैं उनको हटाएगा और चेहरे को एकदम शाइनी बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एलोवेरा जेल लिया हुआ है जो कि मोस्टली घर में रहता ही है सबके घर में, और ये मैंने पतंजलि का लिया है एलोवेरा जेल, और ये मेरा हनी है, ये भी मेरा पतंजलि का ही है जो कि मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर। अब ये ख़त्म होने को है, ये भी आपके घर में रहता है, अगर घर में नहीं है तो आप इसको मार्केट से ले सकते हैं, ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है। और ये हल्दी पाउडर है जो कि गोल्डन येलो है मंत्रा का, ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया गया है और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता भी है। आप इस ये 18 ग्राम का है और आपको ये 8 रुपये में मिल जाएगा, आप इसको कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। बहुत ही बहुत अच्छा है ये बहुत ही अच्छा है फेस के लिए, इसमें कोई भी कलर नहीं ऐड है, एकदम नेचुरल है। और घर की जो हल्दी होती है अगर आप वो वाली यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है क्योंकि उसमें कलर ऐड होता है, तो वो उसमें अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो उसमें फेस पे बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाता है जो ठीक नहीं रहता। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप यही वाला पैक यूज़ करिए, यही जिसमें कोई भी कलर ऐड ना हो। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, आपके लोगों को बताती हूँ कि कैसे आपको ये पैक तैयार करना है। तो इसमें आपको बहुत थोड़ी सी एक चुटकी के बराबर हल्दी लेनी है। इसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ तो अभी इसमें बहुत कम बचा है, हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा होता है और फेस पे बहुत थोड़ा सा ही यूज़ होता है, इसीलिए आप बहुत एक चुटकी में काम हो जाता है। तो चलिए फिर मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो कि मैंने पतंजलि का ही लिया हुआ है, और आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने नेक पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने हैंड्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो मोस्टली करती रहती हूँ फेस पे और नेक पे अप्लाई करती हूँ जिससे कि स्किन को ये चमकदार बना देता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना। तो ठीक है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे आप इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। हनी भी देखिए मैं यूज़ ही करती हूँ इसीलिए ये आधा हो गया है, ख़त्म होने को है, तो थोड़ा सा हनी हम इसमें डालेंगे और इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसको अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक छोड़ देंगे और इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद इसको फिर हल्के हाथों से रब करते हुए आपको इसको रिमूव कर देना है और ताज़े ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो ये मेरा रेडी हो गया है, अब मैं इसको मिक्स कर सकती हूँ। अगर आपको कम ज़्यादा लगे, आपको लगे कि एलोवेरा जेल कम है या हनी कम है, तो आप उसमें थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे कि ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। मेरा तो ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है अच्छे से, क्वांटिटी ठीक थी मेरी, क्योंकि फेस पे बहुत थोड़ा सा ही यूज़ होता है और गर्दन पे होता है। आप अगर इसमें बच जाता है तो मैं हैंड पे भी यूज़ कर लेती हूँ, और एल्बो जो कि ब्लैक ज़्यादा रहती है, आपके हाथ तो इतने काले नहीं होते हैं लेकिन एल्बो का जो पार्ट होता है वो ज़्यादा ब्लैक रहता है, तो आप उस पर भी इसको अच्छे से अप्लाई करें। और एल्बो के लिए आप एक लेमन ले सकते हैं, और लेमन इसको इसको अप्लाई करके आप छोड़ दीजिए और उस पर एक लेमन को काट लीजिए, और उस जब ये सूख जाए तो उसको हल्के हल्के हाथों से रब करिए, तो ये बहुत अच्छा कालापन जो है वो उसको बहुत अच्छे से दूर कर देता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो चलिए ठीक है, आज